बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जुनैद भाई। अभी हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की सीट्स का। ये दोनों सीटें जो मार्च में आई हैं उनकी का भी यही कोर्स कंटेंट है, और जो अप्रैल में अब आई हैं जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले बना के दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी चैनल पर जाएं और वो वीडियो देखें। उसके अंदर भी जो सीट्स की बात हो रही है, न्यू वैकेंसीज की बात हो रही है, उनका भी कोर्स कंटेंट यही होगा। सो एज पर एडवर्टीजमेंट हम आपके साथ सारे के सारे सब्जेक्ट वेटेज शो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सीट है वो डीएनए और सीरोलॉजी की है। इसके अंदर इंग्लिश 20 एमसीक्यूज हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से भी 10 एमसीक्यूज हैं, आईक्यू से 10 हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से 10 एमसीक्यूज हैं, बायोकेमिकल टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जनरल नॉलेज और इस्लामियात एथिक्स, इन सब से 10-10 है, और जीके और इस्लामियात से 5-5 एमसीक्यूज है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट नारकोटिक्स की। इसके अंदर भी इंग्लिश की जो है वो 20 इंग्लिश के हैं, बाकी एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड थेरोपेटिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्माक्यूटिक्स और इन सब की 10-10 एमसीक्यूज हैं, और जीके और इस्लामियात के आखिर में 5-5 एमसीक्यूज हैं। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। तो इसमें 20 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश से आएंगे, बाकी 10 एमसीक्यूज एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माक्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड थेरोपेटिक्स से 10-10 एमसीक्यूज, और जीके और इस्लामियात से या एथिक्स से 5-5 एमसीक्यूज। अगले सीट्स की बात कर लें जिसके अंदर है हमारे पास ट्रेस केमिस्ट्री की। इसमें इंग्लिश से 20 एमसीक्यूज हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से 10 एमसीक्यूज हैं, आईक्यू से भी 10 एमसीक्यूज हैं, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 एमसीक्यूज हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसमें पोर्शन ज्यादा है, ये आपके सामने 20 एमसीक्यूज हैं, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री से 10, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 10 और जीके और इस्लामियात से 5-5 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स के ऊपर। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्प्रिहेंशन से 20 एमसीक्यूज हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से 10 एमसीक्यूज हैं, आईक्यू से 10 एमसीक्यूज हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से 10 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स बेसिक से 20 एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से 10 एमसीक्यूज, मेटल मशीनिंग प्रोसेस से 10 एमसीक्यूज और जीके और इस्लामियात से 5-5 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट लेटेंट फिंगरप्रिंट, इससे हम बात करें तो इसमें भी इंग्लिश के पहले 20 नंबर का पोर्शन होगा, फिर एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू, एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री से 10-10 एमसीक्यूज होंगे और जीके और इस्लामियात से 5-5 एमसीक्यूज होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, कम्प्रिहेंशन से 20 एमसीक्यूज, एनालिटिकल केमिस्ट्री रीजनिंग से 10, आईक्यू से भी 10, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री से 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 10, एनालिटिकल टेक्निक से भी 10, एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी 10, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 10 और जीके और इस्लामियात से अगेन 5-5 एमसीक्यूज हैं। बात करें पॉलीग्राफ की तो इसके अंदर 20 एमसीक्यूज हैं इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्प्रिहेंशन से, आईक्यू से 10 एमसीक्यूज, एनालिटिकल रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी से 10-10 एमसीक्यूज हैं और जीके और इस्लामियात से 10 5-5 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी की। इसके अंदर अगेन इंग्लिश से 20 एमसीक्यूज, आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग से 10-10 एमसीक्यूज। इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, सीरोलॉजी, एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इनसे 10-10 एमसीक्यूज हैं, जबकि जीके और इस्लामियात से अगेन 5-5 एमसीक्यूज हैं। और नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एनालिस्ट की। इसमें भी अगेन जो फर्स्ट पोर्शन है वो इंग्लिश से 20 एमसीक्यूज का, आईक्यू, एनालिटिकल 10-10 नंबर की, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इनसे भी 10-10 है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स से 20 मार्क्स है, थोड़ा वेट ज़्यादा है, बाकी जीके और इस्लामियात से अगेन 5-5 मार्क्स का आपका ये बन जाएगा 100 एमसीक्यूज। इसके बाद फोटोग्राफी है, इसके अंदर 20 मार्क्स हैं इंग्लिश रिलेटेड
और 10-10 मार्क्स का एनालिटिकल्स और IQ। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड ग्राफिक डिज़ाइन, इससे 10 MCQs हैं। इमेज फोटोग्राफी इलस्ट्रेशन, इससे 20 MCQs हैं। प्रिंटिंग से 10 MCQs हैं। इंटरेक्टिव डिज़ाइन एंड मूविंग इमेज से 10 MCQs हैं। GK और इस्लामियात से 5 5 MCQs हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीट्स हैं कंप्यूटर फोरेंसिक की। इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर, एनालिटिकल और IQ से वही 41 नंबर्स का आपका बन रहा है सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 मार्क्स के पेपर आएगा। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से 20 मार्क्स का। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से 20 मार्क्स का। और GK और इस्लामियात अगेन 5 5 नंबर के हैं। लास्ट हमारे पास है क्राइम एंड डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन का। इसका सिलेबस कुछ यूँ है कि 20 मार्क्स अगेन इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और कम्प्रीहेंशन से 20 मार्क्स का। एनालिटिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स का। IQ से भी 10 मार्क्स का। इसके बाद जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक्स, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड प्रोडक्शन बेसिक्स, ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री बेसिक, फोरेंसिक DNA टाइपिंग बेसिक, और जनरल नॉलेज और इस्लामियात एथिक्स से 5 5, बाकियों से 10 10 MCQs। तो ये इसमें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हॉर्टिकल्चर जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, और साथ साथ जो बायोटेक्नोलॉजी कुछ रिलेटेड करती है, जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्रीरियंस को फोकस करना पड़ेगा। सो ये था कोर्स कंटेंट। आई होप आपको सारा का सारा क्लियर नज़र आ गया होगा, समझ भी आ गई होगी। मजीद हम वीडियोस अपलोड करेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ हमारी मिलती रहें इस जॉब के रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।